हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर एक बार से फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बहुगुणता क्या होती है उसके बारे में। तो बहुगुणता जिसको इंग्लिश में पॉलीप्लॉडी कहते हैं, बहुगुणता की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो किसी कोशिका में गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय का पाया जाना, किसी कोशिका में गुणसूत्रों के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय का पाया जाना, बहुगुणता कहलाता है। किसी कोशिका में गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय का पाया जाना, गुणसूत्र के बारे में आपने 11th क्लास के कोर्स में आपने पूरा डिटेल में स्टडी किया है। गुणसूत्र क्या होते हैं, क्या उनके काम है, उनके बारे में पूरा आपने अध्ययन किया है। तो समुच्चय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो सेट यानी जोड़ा। तो जैसे कोशिकाएं, हम लोगों की कोशिकाओं को देख लो या अधिकांश जो पौधे हैं उनकी कोशिकाओं को देख लो, तो ये जो है इनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं। सामान्य रूप में जितने भी पौधे हैं या हम लोगों में या अन्य जो जंतु हैं अधिकांश, उनमें गुणसूत्रों के दो समुच्चय पाए जाते हैं, जिसमें से एक समुच्चय नर जनक से प्राप्त होता है और दूसरा समुच्चय मादा जनक से प्राप्त होता है। यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर मादा युग्मकों के संलयन से नए जीव का निर्माण होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों गुणसूत्रों के एक एक सेट लेकर के आते हैं और दोनों सेट मिलकर के लास्ट में दो सेट वाला कोशिका बन जाता है, जिसे हम द्विगुणित कोशिका कहते हैं। तो द्विगुणित कोशिका किसे कहेंगे, यदि किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो सेट हो या दो समुच्चय हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो हम लोगों की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं इनमें से गुणसूत्र के दो सेट होते हैं, एक सेट मतलब नर जनक से प्राप्त होता है और एक सेट मादा जनक से। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम अपने मनुष्य को एक बार ले लेते हैं, मनुष्य की जो कोशिका होती है तो मनुष्य के में कुल प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। आप इसके बारे में जानते होंगे कि मनुष्य की प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इस 46 में से देखिए 23 गुणसूत्र ये यानी नर जनक और 23 गुणसूत्र जो है ये मादा जनक से प्राप्त होता है। तो 23 और 23, अब देखिए ये 23 गुणसूत्र जो नर जनक से प्राप्त होता है, मनुष्य की बात कर रहे हैं यानी कि पिता से, और 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त होता है। तो पिता से जो 23 गुणसूत्र प्राप्त होता है ये शुक्राणु के माध्यम से प्राप्त होता है, शुक्राणु के माध्यम से, और माता से जो 23 गुणसूत्र प्राप्त होता है ये अंडाणु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 23, और देखिए अब हम लोगों की प्रत्येक कोशिका में 23 23 के दो समुच्चय हो गए,
एक समुच्चय पिता से प्राप्त हुआ 23 का 23 गुण सूत्रों का, और 23 गुण सूत्र का एक समुच्चय माता से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए मटर के पौधे को हम लेते हैं, जैसे मटर का पौधे की प्रत्येक कोशिका में 14 गुण सूत्र है। अब इसके 14 गुण सूत्र में से अब देखिए 7 गुण सूत्र ये नर जनक का है, नर जनक से प्राप्त होता है, और 7 गुण सूत्र जो है ये मादा जनक से प्राप्त होता है। यानी कि 7 गुण सूत्र परागकण से होता है और 7 गुण सूत्र अंडकोशिका से होता है। तो कुल मिलाकर के 7 और 7 14 हो गए, यानी कि इसमें 2n बराबर हो गया 14। 2n माने n माने होता है समुच्चय और 2n माने दो समुच्चय। तो अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो सेट पाए जा रहे हैं, अब वो सेट में कितने गुणसूत्र हैं वो उस जीव की कोशिका पर डिपेंड करता है। अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। तो अब जैसे मटर का हमने लिया, तो मटर की प्रत्येक कोशिका में 14 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 7 गुणसूत्र पिता से, 7 गुणसूत्र नर जनक से, 7 गुणसूत्र मादा जनक से, यानी कि 2n बराबर हो गया 14, और फिर n बराबर क्या हो जाएगा 7। तो अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट मौजूद है तो उस कोशिका को हम कहते हैं आगुणित कोशिका, आगुणित कोशिका। और अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो सेट है तो दो सेट है उसे क्या कहेंगे, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित। अगर जो तीन गुणसूत्र है गुणसूत्रों के तीन सेट है तो त्रिगुणित, चार गुणसूत्रों का चार सेट है तो चतुर्गुणित, पांच सेट है तो पंचगुणित, छह सेट है तो षटगुणित, इस प्रकार से यह होता है। अब ध्यान रहे, यानी जैसे हमने कहा कि त्रिगुणित गुणसूत्रों का तीन सेट हो तो त्रिगुणित, चार सेट हो तो चतुर्गुणित। तो ये जो त्रिगुणित चतुर्गुणित पंचगुणित षटगुणित ये जितने भी हैं इन सब को कह दिया जाता है बहुगुणिता, यानी बहुगुणित प्रश्न, बहुगुणित, बहुगुणित। तो बहुगुणित माने जिसमें गुणसूत्र के दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं कहना गलत हो जाएगा, दो से अधिक सेट मौजूद हो। अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक सेट या समुच्चय मौजूद हो तो ऐसी कोशिका को बहुगुणित कोशिका कहते हैं, और इस प्रकार से गुणसूत्रों का पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। यानी किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक सेटों का पाया जाना या समुच्चय, दो से अधिक समुच्चय का पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। तो आपके समझ में आगुणित क्या होता है, अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक ही सेट हो तो वह आगुणित कोशिका कहलाएगा, अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो सेट हो तो वो द्विगुणित कहलाएगा, अगर किसी कोशिका में तीन गुणसूत्र के तीन सेट हो तो त्रिगुणित, चार सेट हो चतुर्गुणित, पांच सेट हो पंचगुणित, छह सेट हो षटगुणित कहलाता है। तो जो द्विगुणित से अधिक वाले हैं उनको बहुगुणित कह दिया, साबु सम्मिलित रूप में उनको बहुगुणित कह दिया जाता है। यानी कि किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक सेट उपस्थित हो तो उसे बहुगुणित कह दिया जाता है। अब इसके बाद है, ये तो हो गया बहुगुणिता। अब बहुगुणिता में एक है स्वर बहुगुणिता और एक है पर बहुगुणिता, ध्यान दें, एक स्वर बहुगुणिता, देखिए बहुगुणिता बहुगुणिता। अब ये दो प्रकार का,
और दूसरा हो गया पर बहुलता, स्वबहुलता किसे कहते हैं। अब ध्यान रखा, बहुलता का मतलब क्या है कि कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक सेट मौजूद हो। अब ये दो से अधिक सेट यदि उसी जीव का है तो उसे कहते हैं स्वबहुलता। यदि किसी कोशिका में एक ही प्रकार के दो से अधिक गुणसूत्रों का सेट पाया जाए, यदि किसी कोशिका में एक ही प्रकार के दो से अधिक गुणसूत्रों का सेट पाया जाए तो उसे कहेंगे स्वबहुलता। यानी कि जो तीसरा या चौथा या पांचवा जो भी है जो सेट पाया जा रहा है वो उसी जीव का है, उसी जीव के गुणसूत्र अधिक हो गए हैं तो इसे कहेंगे स्वबहुलता। और अगर जो किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो से अधिक सेट पाए जा रहे हैं लेकिन जो दो से अधिक सेट है वो किसी दूसरे जीव का है तो उसे कहेंगे परबहुगुणिता। यानी कि किसी कोशिका में भिन्न प्रकार के दो से अधिक गुणसूत्र सेटों का पाया जाए, किसी कोशिका में यानी भिन्न प्रकार के दो से अधिक गुणसूत्र सेटों का पाया जाना, गुणसूत्र समुच्चय या सेटों का पाया जाना स्वबहुलता कहलाता है। तो स्वबहुलता किसे कहेंगे, यदि किसी कोशिका में एक ही जीव का दो से अधिक गुणसूत्र का सेट मौजूद हो तो इसे स्वबहुलता कहते हैं। और यदि किसी कोशिका में दो से अधिक भिन्न प्रकार के गुणसूत्रों का सेट हो तो इसे कहेंगे परबहुलता। जैसे एक फसल है ट्रिटी केल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिटी केल जो है ये गेहूं और राई के संकरण से इस फसल का उत्पादन किया गया है। अब देखिए यह सर्वगुणित है, क्या है सिक्स एन माने सब ट्रिटी केल एक सर्वगुणित फसल है। इसका निर्माण कैसे किया गया, यानी गेहूं और राई के संकरण द्वारा। अब देखिए अब इसमें गेहूं के जो है इसमें 14 राई, अच्छा चतुर्गुणित गेहूं और द्विगुणित राई के संकरण से इसका निर्माण किया गया, इसका विकास किया गया है। तो गेहूं में 2n बराबर 14 तो n बराबर कितना हो गया 7। एक सेकंड, ये इसमें 28, 2n बराबर 28 तो n बराबर 14 और ये 14, 2n बराबर 14 n बराबर 7 तो इसके और इसके संकरण से जो नया पौधा बना उसमें कितना हो गया 2n बराबर 21। इसको थोड़ा और साफ लिखो आप, 2n बराबर 21। अब ध्यान दें 14 और 7 21 गुणसूत्र वाला द्विगुणित पौधा प्राप्त। अब देखिए ये जो है ये बंध होगा, क्या होगा बंध माने जिसमें जनन करने की क्षमता ना हो, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाएगा। अर्धसूत्री विभाजन जो है हमेशा
ऐसी कोशिकाओं में होता है जिसमें गुणसूत्र जो है वो सम संख्या में होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मतलब सम संख्या में उसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा यानी युग्मक नहीं बन पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसके बाद ये जो 21 गुणसूत्र है इसको इसको दुगुना कर दिया कोल्चिसिन उपचार से। कौन सा? कोल्चिसिन उपचार से इस गुणसूत्र की संख्या को दुगुना कर दिया गया यानी कि 42 कर दिया गया। ठीक है, और ये जो 42 वाला जो है देखो इसको इस प्रकार से बता सकते हैं यानी द्विगुणन 12 ये कितना हो गया 42 यानी अब ये जो है ये है त्रिटी केल। ये त्रिटी केल मतलब होगा ट्विन बराबर। अब देखिए अब इसमें ध्यान दें अब इसमें गुणसूत्र के कुल मिला करके एन बराबर 2n बराबर कितना है 42। तो अब इसमें राई का भी गुणसूत्र है और गेहूं का भी गुणसूत्र है और दो से अधिक सेट पाए जा रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो गया पर बहुगुणित हो गया ये, क्योंकि इसमें दो भिन्न गुणसूत्रों का समुच्चय दो से अधिक पाया जा रहा है इसलिए ये पर बहुगुणित फसल है। तो ट्रीटी केल क्या है? ट्रीटी केल पर बहुगुणित फसल है। इसका विकास चतुर्गुणित गेहूं और द्विगुणित राई के संकरण द्वारा कराया गया है। तो ये हो गया भाई बहुगुणिता, आगुणित द्विगुणित चतुर्गुणित सगुणित बहुगुणित पारगुणित स्वबहुगुणित ये सब क्या होते हैं इनके बारे में आज के वीडियो में हमने आपको बताया। फिर इससे आगे का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।